हर खानदान में पैदा होने वाला एक मासूम बच्चा है उसको भी उतना ही जीने का हक हाँ है उसको भी उतनी ही इज्जत मिलने का हक हाँ है लेकिन बदकिस्मती हमारा दिल इतना सख्त हो चुका है कि हम उन बच्चों को इन झूलों में छोड़ के चले जाते हैं लेकिन खुशकिस्मती है इन जैसे अजीम लोग और अब्दुल जैसे फरिश्ता सिर्फ लोग इस दुनिया में हमारी मदद के लिए और उन बच्चों की मदद के लिए मौजूद है बलरमीम नाज्रीन आप देख रहे हैं प्रिंटेक मीडिया मैं हूँ हुसलम आजीज़ कुरान हकीम में इरशाद रब्बानी है कि जिसने एक इंसान की जान बचाई गोया उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई इसी तरह जिसने एक इंसान का कत्ल किया गया उसने पूरी इंसानियत का कत्ल किया आज हम आए हैं एदी होम इस्लामाबाद में और जैसा कि आप सब जानते हैं कि अब्दुल किब्दुलसतारेदी एक नाम है उनके तारफ़ के लिए कुछ अल्फाज ढूंढने की ज़रूरत नहीं बच्चे बच्चे को और बूढ़े हर इंसान को उनके बारे में मुकम्मल पता है कि उनकी क्या खदमात हैं और उनकी ऐसी खदमां हैं कि जो रहती दुनिया तक याद रखी जाएंगी आज ए होम इस्लामाबाद में हम मौजूद हैं जनाब शकील अहमद साहब के साथ जो कि इस इदारे को हेड कर रहे हैं और हम इनसे बात करेंगे जो एडी होम में मौजूद झूले हैं जिनमें लोग अपने टाइम पास के चक्कर में होने वाले वाक़ या जो उनके रिज़ल्ट होता है उससे पैदा होने वाले बच्चों को शर्मिंदगी से बचने के लिए छोड़ जाते हैं हालांकि उस बच्चे का कोई कसूर नहीं होता वो बच्चा तो मासूम है बिल्कुल उसी तरह जैसे हर खानदान में पैदा होने वाला एक मासूम बच्चा है उसको भी उतना ही जीने का हक हाँ है उसको भी उतनी ही इज़्ज़त मिलने का हक़ हाँ है लेकिन बदकस्मती हमारा दिल इतना सख्त हो चुका है कि हम उन बच्चों को इन झूलों में छोड़ के चले जाते हैं सो हम जाना चाहेंगे शकील अहमद साहब से कि आया यहाँ पर जब लोग अपने उन मासूम बच्चों को छोड़कर चले जाते हैं तो बाद में फिर इन बच्चों के साथ इनका कैसा रवैया होता है कैसे उनको संभाला जाता है और बाकी तमाम तफसलत आज हम बात करेंगे सलाम कैसे हैं आप जी शुक्र अल्लाह का बताइए जी शकील अहमद साहब ये इंसानियत क्या मरती चली जा रही है कि लोग अपने बच्चों को छोड़ के चले जाते हैं झूले में जी ये जब से हमारा ईदी फाउंडेशन वजूद में आया ईदी साहब ने जितने सेंटर थे वहाँ पर एक एक झूला लगाया था कि ये शुरू से ही इस तरह था तो बज़ ऐसा भी होता है कि कोई बच्चे एबनॉर्मल होते हैं माजूर होते हैं पोलियो ज़्यादा होते हैं वो समझ सकते हैं कि हम इसका इलाज भी नहीं करा सकते या हार्ट पेशेंट आजकल बच्चे ज़्यादा पैदा होते हैं तो वो हमारे झूलों में डाल देते हैं कि इसने बचना तो है नहीं और इसने मतलब हम इलाज भी नहीं करा सकते इसलिए भी शायद वो झूले में डाल देते हैं लेकिन कोविड के बाद से ये तादाद बहुत ज़्यादा कम हो गई है बच्चों की हमारा जोन है गुजरावाला से इस इसकर और इसमें तकरीबन आठ सौ किलोमीटर हैं और एटी एट सेंटर हैं इस हमारे जोन में तो 88 झूलों में पहले 115-16 बच्चे साल में आ जाते थे लेकिन कोविड के बाद से ये तादाद कम होकर 15-16-14 ये रह गई है।, है अच्छा ये बताएं कि ज़्यादातर जो बच्चे आते हैं इन झूलों में डाल के छोड़ जाते हैं लोग वो कौन लोग हैं क्या वो बच्चे के माँ बाप हैं या कोई ऐसा मतलब यू नो के लोग जिस तरह से कहते हैं कि ये नाजायज़ बच्चा है हालांकि बच्चे का कोई कसूर नहीं है तो वो कौन लोग हैं जो बच्चों को यूं छोड़ जाते हैं बस टाइम कोई औरत छोड़ जाती है मर छोड़ जाते हैं लेकिन हमें पूछने की इजाज़त नहीं है क्योंकि जो चोर चोरी करने के लिए आता है तो या तो वो चोरी कर लेता है या पकड़ा जाता है तो अब अगर हम किसी को पकड़ेंगे तो उसने तो ये फ़ैसला किया है कि मैंने एक गलत काम करना है तो वो तो करेगा मैं उसको पकड़ूं या हमारा स्टाफ पकड़े लेकिन जो फैसला करके आए होता है वो कर जाता है तो अगर हमारे पूछने की वजह से किसी की जान चली जाए बच्चे को मार दिया जाए हमें सारी ज़िंदगी अफसोस होगा इसीलिए हम किसी से पूछते नहीं हैं तो जब ये लोग बच्चे को छोड़ के यहाँ रात के अंधेरे में जाने लगते हैं तो क्या वहाँ पे वक्त पे कोई आपका स्टाफ मौजूद होता है जो नजरसानी कर रहा होता है जो देख रहा होता है निगरानी कर रहा होता है कि बच्चे को आया कोई नुकसान ना हो जाए या कोई जानवर वगैरह ना उसको नुकसान पहुँचा दे जी आपने देखा है जहाँ पर हमारा ऑफिस है मेन तो बिल्कुल मेरे सामने झूला लगा हुआ है तो वहाँ पर 24 घंटे ड्यूटी होती है चौकीदार होते हैं स्टाफ बैठा होता है सबकी नज़र होती है आज तक ऐसा नहीं हुआ अच्छा ये बताएं कि ये तो चले बदकिस्मती हम इंसानों की कि हम समझ नहीं पा रहे इंसानियत की कदर नहीं कर पा रहे और उन मासूमों पर यूँ जुल्म करते हैं बेहतर तो यही होता है कि हम अपने जो दीनी जो तलिमात हैं उनको अंडरस्टैंड करते हुए हराम हलाल की तमीज़ करें ताकि हमें इस किस्म की सिचुएशन से गुजरना ही ना पड़े और आपने अगर कभी भी मैं समझती हूँ आजकल की नौजवान नस्ल को ये सबक सीखना है कि अगर आपने कभी भी कोई ऐसा ताल्लक कायम किया जिसको आप दुनिया के सामने शो नहीं कर सकते आप किसी के सामने ला नहीं सकते वो इंतहाई आपके लिए शर्मिंदगी का बायस है तो रुक जाइए उससे ऐसा तल्लक बनाने से पहले ही ख़त्म करना बेहतर है ना कि किसी ऐसे तल्लक से पैदा होने वाला जो रिज़ल्ट है उसको फिर आप बता ना सकें दिखा ना सकें और बच्चे को फाइनली आप झूले में डाल के जाते हैं मैं तो हैरान हूँ उन लोगों पर उन खातिन पर मैं हैरान हूँ कि कैसे वो फिर उस मासूम नन्नी जान को अकेला यूँ छोड़ के चले जाते हैं इस ालिम माशरे के हवाले लेकिन खुशकस्मती है कि इन जैसे अज़ीम लोग और सतार एदी जैसे फरिश्ता सिर्फ लोग इस दुनिया में हमारी मदद के लिए और उन बच्चों की मदद के लिए मौजूद हैं मुझे ये बताइएगा कि जब एक बच्चा आपके पास आ जाता है तो क्या प्रोसेस होता है क्या नेक्स्ट स्टेप होते हैं आप लोग किस तरह से इंश्योर करते हैं कि अब उस बच्चे की हेल्थ ठीक रहेगी और उस बच्चे को कैसे मतलब सेफ़ मैयर ले कर पहुँचाया जाए प्रोटेक्शन मैयर ले कर पहुँचाया जाए वहाँ तक जहाँ वो सिक्योर रहे सबसे पहले जब बच्चा आता है तो हम उसकी फ़ाइल बनाकर फ़ौर हॉस्पिटल भिजवाते हैं कि हो सकता है कि इसको किसी मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है ये हमारे हेड ऑफिस कराची से आर्डर आया हुआ है सबसे पहला काम हम उसको हॉस्पिटल भेजते हैं और वहाँ पर उसका ट्रीटमेंट होता है या डॉक्टर बता देते हैं कि इसको कोई मसला नहीं है या है ये दवाई इतने दिन देनी है तो या हम पूछ लेते हैं कि ये बाई सफ़र कर सकता है तो वो जब बताते हैं तो हम उनका एयर टिकट करवा कर अपने एक बंदे के साथ उनको कराची शिफ्ट कर देते हैं ताकि ये जिसका नंबर आया हुआ है एडोप्शन के लिए तो वो उनके हवाले किया जा सके यानी कि जो भी बच्चा आपके पास यहाँ झूले में डाल दिया जाता है आप उसका बेसिक चेकअप वगैरह करवा के उस बच्चे को कराची हेड ऑफिस रेफर कर देते दे। हैं आप क्या मैसेज देना चाहेंगे उन लोगों को जो कि झूले में अपना बच्चा डाल जाते हैं कोई एक मैसेज जो आपके दिल से आवाज़ निकले और उन तक पहुंचे मैं यही मैसेज देता हूं कि ईदी साहब ने भी झूला इसलिए लगाया था कि गुनाह तो आप लोगों ने किया है लेकिन इस मासूम का कोई कसूर नहीं है कत्ल ना करें हमारे झूले में डाल दें इदारा ज़्यादा अच्छा उसकी कफालत कर सकेगा जी तो नाजिन ये था आज का प्रोग्राम और इसमें उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत से सबक मिले होंगे और उन तमाम लोगों को ज़रूर समझाइएगा शेयर कीजिएगा इस वीडियो को क्योंकि इसको बनाने का मकसद शायद किसी एक इंसान की तस्ही हो जाए किसी को समझ मिल जाए किसी की हिदायत हो जाए और शायद कोई एक ऐसी जोड़ी जो अभी प्लान कर रही है किसी नए गुनाह की सो वो इस गुनाह से रुक ही जाए और ऐसा गुनाह ना करे सो इस नेक मकसद के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा मुझे दीजिए इजाज़त मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में अल्लाह हाफिज़